भगवान गणेश की पूजा हमारे गांव में कैसे होती है आज आप लोग देखिए। हमारे गांव में भगवान गणेश की पूजा बहुत अच्छे से होती है, साधारण ही लेकिन बहुत अच्छे से होती है। दोस्तों हमारे दुख विघ्न को हरते हैं गजानन, उनकी कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रही है और रहेगी। रूटीन बना रहा है, पहले करना बढ़िया दे तो रहा है। कुल गणेश भगवान की, पार्वती मैया की जय। भगवान गणेश की जय, भगवान शिव शिवा की जय। पार्वती पूछत नहीं कथम गणेश्वर भोजो माघे किम भोजनम सुधा किम नाम किंचन वेद्यम तदुदस्व विशेषता। श्री गणेश वाच पार्वती कथन के पुत्र माघ के महीना में गणेश जी के कवना नाम से पूजा करे छें, पूजन भोजन के का विशेषता विस्तार रोग बताएं। तब गणेश जी कथन के माता माघ के महीना में गणेश जी के भाग नाम से पूजा के जला श्रद्धा से पूजा करे छें, सोरसोपचार से पूजा करे छें। तिल के 10 गो लड्डू बनावे चाहे, सोरसोपचार पूजा कैला के बाद तिल के 5-6 लड्डू भगवान के चढ़ावे चाहे। विधि पूर्वक कथा पूजा कैला के बाद ब्राह्मण के यथाशक्ति दक्षिणा दे के तिल के 5 गो लड्डू निवेदित करे चाहे और ओकरा बाद स्वयं 10 गो तिल के लड्डू भक्त युक्त होके खाए के चाहे। एक प्रकार से व्रत कैला के बाद यह विषय में राजा हरिश्चंद्र के इतिहास सुनावतने। गणेश जी कहतन की माता बहुत इतिहास हम सुनावतने सुने। पहले समय में राजा हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतापी राजा रहने वहाँ के राज्य में, गंगा क्षत्रिय धर्म में निपुण रहने वहाँ के राज्य में। केवल दुखी ना रहे, केवल दरिद्र ना रहे, केवल पायु ना रहे, केवल दीनहीन अनाथ ना रहे, एक प्रकार से वहाँ के राज्य का चलत रहे। वही राज्य में ऋषि शर्मा नाम के ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण रहे, बहुत ही सज्जन ब्राह्मण रहे। उनका विवाह भेल, एगो संतान भेल। दुर्दैव से कुछ समय पश्चात राजा ऋषि शर्मा नाम के ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उनकर विधवा पत्नी जौन बड़ी अपना लड़का के लाल पालन भिक्षा इत्यादि मांग के कसम करे लगली। और विधवा ब्राह्मण के मन में भगवान गणेश के प्रति बड़ा श्रद्धा रहे। वो गणेश चतुर्थी के व्रत कर तले भिक्षा मांग के लिए आगे तिल के लड्डू बना के भगवान चढ़ाओ। सब प्रकार से श्रद्धा भक्त युक्त होकर विधि पूर्वक पूजा कर गणेश जी के गोबर के प्रतिमा बना के पूजा कर तले। एक समय के उनको 5 वर्ष के लड़का जनबा गणेश जी के प्रतिमा खिलौना समझ के लेके गला में बांध लेला से खेले खातिर बाहर निकल गए। तब तक एक उम्र कुहान लड़का के लेके अपना हवा में डाल के आगे लगा दिलस। आगे अब निश्चिंत होकर सुध गए कि अब हमारे सब बर्तन पाक जाए। अब सुध गए के बाद जन बाने ब्राह्मणी बालक के खोज तरी चारों तरफ ढूंढ तरी। जब लड़का नाम ले चारों तरफ पूछ ले ली खोज ले ली, तब गणेश जी के शरण में आके भगवान के यहाँ माथा पटक के रो तरी कह तरी के हे जटा झूठ शोभा मान हे आप्रत हे विघ्नराज हे गणाधिप हे वक्रतुंड हे गजानन हम पुत्र दुख से पीड़ित बने हम रक्षा करे। हे अनाथ के नाथ हम पुत्र दुख से पीड़ित बने हम रक्षा करे, हमारे पुत्र की रक्षा करे। हे प्रभु नए प्रकार से प्रार्थना करत गए सिर पटक के रो तरी मूर्छित होकर आधार आत्मा जन बाधारात पर रोले विलाप के लिए। ओकर बाद मूर्छित होके भगवान के सामने सुत गेली। सवेरे मूर्ख कुहार जन बा खुश होके अपन आवा खोल के देखा था कि अब तो आदि सब बर्तन पा गए हुई। जब आवा खोल के देखा था तो खुश हुई लड़का जो आवा में घुटना पर जल हो गई बा वही में घूम घूम के खेला था। अब देख के भयभीत हो गए कि दादा ही था हमें आगे लगले न के बर्तन को पहले न के आई पानी कहाँ से आ गई लड़का कहाँ खेला था। राजकन्या के विवाह खातिर कुछ बर्तन देवे रहे, लेकिन जब हवा में आगे लगाए बर्तन हमें न पाके आगे बुता जाए। तब एगो जादू तो न जाने वाला से कहने के भाई जल्दी बताओ कौन उपाय कि हमारे बर्तन सब पा जाए सके। राजा के लड़की के विवाह बा ना बर्तन देव तू हमारे के जाने ले लिहे दंड दे अपराध के। तो ऐसा वो कर कि कौन उपाय बताओ तो हम जौन बा कुछ नहीं है तो बतौल से ऐसा बा कि तू अः अथी के लड़का के बलि दे दे अपना हवा में।
तो तार सब बर्तन पाक जाए वही विचार करने के करा लेके आके बोले थे केहू को लेके आके बोले देला तो हमारे जीवित ना छोड़े हैं। तो अपने मन में विचार करके जो बात हम कहने हैं कि अगर विधवा ब्राह्मणी के लड़का के बलि दे दे तो हमने के कुछ ना करे विचार करके अपना मन में जौन बा ना हमने के सोचने है कि वही लड़का के जौन बा बलि दे दे तब तक तो मिल के लाओ गांव में डाल के अपन आगे लगा दे नया निश्चित तो सुध के नया सब बर्तन पाक जे सवेरे जब खोल के आवा देखा दे तो घुटना पर जल हो गई बा वही में लड़का घूम घूम खेलता। तब राजा कहने के ऐसा तो बड़ा आश्चर्यजनक बात भी है हम चल के तो स्थान के वो जगह के वो बालक के देखा चाहता नहीं राजा स्वयं जाकर देखा यहाँ लड़का वैसे घूमता खेलता तो कहानी भाई निश्चित करे के कर ले क्या अरे कर भूख बा ना प्यास बा ना सुधा बा ना तृषा बा ना डर बा ना भय बा ये कहे से बटे एकरा गला मूर्ति कैसा ना जों के दुर्वास शोभित बा। तब तक विधवा ब्राह्मण दौड़त लिया उठा कर अपना बालक के हृदय से लगा लिया रोए चिल्लाए लग लिया बार बार लग गया कि चुमन जात करते। तब राजा पूछने गए ब्राह्मण तू कौन जात तू ना जब तब विधान जाने लू जब चलते तार लेकर आज में ना जल रहा तो पली गए सरकार हम कुछ हम न जाने को प्रकार की जब तब जात तू ना तब व्रत विधान ना जाने ने एक मात्र संकट के नाश कर वाला गणेश जी के व्रत में उत्तम संकट चतुर्थी के व्रत करने हे व्रत के प्रभाव से हमार पुत्र जीवित बा राजा करे के पर धन्यवाद हे ब्राह्मण तू ऐसा व्रत के विधान के विषय में बतौलो नहीं व्रत हमारा सम्मति बटे। राजा जन वहां जोड़ के ब्राह्मण के परिक्रमा के लिया आदेश के लिया के आज से हमार संपूर्ण प्रजा है व्रत के करे हे प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे पास रहो व्रत उत्तम है व्रत के करे हे व्रत के प्रभाव से व्रत के कारण कैला से जो कई राज्य में पुत्र कलत्र पुनः प्राप्त हो गया ऐसे रहो व्रत में उत्तम है व्रत करी अंत में सुख शांत सौभाग्य समृद्धि के जन बा मनोभिलषित कामना पूर्ण होगा ऐसे रहो व्रत में उत्तम है व्रत करें। बोल गणेश भगवान की जय पार्वती मैया की जय। चल हरे Thank you.